लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था रिलेशन का डेफिनेशन। आज एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यदि दो सेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए हम लोग के पास है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी करेंगे तो इसका जितना भी सबसेट होगा वो सब रिलेशन होगा किसके बीच, ए टू बी, या दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं ए टू बी का जो भी रिलेशन होगा वो सब सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। तो हम लोग ये सब सीख चुके हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा ध्यान से देखना है। देखिए इधर, लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड ये रिलेशन कोई सबसेट है ए क्रॉस बी का, तब हम लोग ए और बी को क्या बोलेंगे, या फिर ए का रिलेशन बी से है या नहीं ये पता करेंगे हम लोग। देन वी कैन से दैट ए इज रिलेटेड टू बी। यदि कोई रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर ए बी है तो हम लोग बोलेंगे ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर, अब हम लोग रिलेशन का क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1, 4, 5 है, देन फाइंड ए रिलेशन फ्रॉम A to B given by A relation या A related B and A less than B। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ A कोई सेट है और B कोई सेट है तब हम लोग को एक रिलेशन फाइंड करना है ए टू बी, और कैसा रिलेशन होना चाहिए कि ए जो है बी से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सोचेंगे कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर बनेगा 1, 1 फिर 1, 4 और 1, 5 आगे 2, 1, 2, 4, 2, 5 फिर 3, 1 फिर 3, 4 फिर 3, 5 और 4, 1 4, 4 और लास्ट आ जाएगा 4, 5 ठीक है। यही हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे और देखेंगे जिस ऑर्डर्ड पेयर में ए लेस देन होना चाहिए किससे, बी से, तो ये इक्वल नहीं होगा, ये हो जाएगा 1, 4 फिर 1, 5
और 2 1 नहीं होगा क्योंकि ये ए जो है बी से बड़ा हो गया, 2 4 होगा, फिर 2 5, फिर 3 1, 3 1 नहीं होगा क्योंकि ए जो है यहाँ पर बड़ा हो जाता है, 3 4 होगा, 3 5 होगा, 4 1 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है, 4 5 हो जाएगा। ये हम लोग का रिलेशन आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं रिलेशन का। अब इसके आगे हम लोग सीखेंगे इनवर्स रिलेशन, देखेंगे इनवर्स रिलेशन क्या होता है। इनवर्स रिलेशन लेट आर बी ए रिलेशन, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए। हम लोग मान लिए कि आर कोई रिलेशन है किस सेट के लिए, सेट ए के लिए। देन नहीं, सेट ए टू बी, सेट ए टू बी, देन इनवर्स रिलेशन ऑफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। देखिए यहां पर बहुत ही आसान है इनवर्स रिलेशन, कि कोई रिलेशन आर है कहां से, ए टू बी, तो इसका इनवर्स हो जाएगा, इसका अपोजिट बी टू ए। इस यहां पर लेट आर बी ए रिलेशन, यहां पर फ्रॉम बोल सकते हैं, फ्रॉम सेट ए टू बी, देन इनवर्स रिलेशन ऑफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स। बहुत ही सिंपल है कि ए टू बी यदि रिलेशन है तो बी टू ए क्या हो जाएगा हम लोग का, इनवर्स रिलेशन। क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन। दैट इज इफ इफ आर कोई रिलेशन है ए टू बी, जहां ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। हम लोग मान लिए कि आर कोई रिलेशन है ए टू बी, वेयर ए इज एलिमेंट ऑफ ए, बी इज एलिमेंट ऑफ बी। तब जो है इनवर्स रिलेशन क्या होगा, हम लोग को पता है पहले से कि ए टू बी है रिलेशन, तो बी टू ए क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन। तो बी टू ए ये हो जाएगा हम लोग का इनवर्स रिलेशन, वेयर बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू। बहुत ही सिंपल था क्या इनवर्स रिलेशन, यदि ए टू बी है तो बी टू ए हो जाएगा हम लोग का इनवर्स रिलेशन। अब इससे आगे हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन, पूरा ध्यान से समझना है टाइप्स ऑफ रिलेशन को।
ताकि दिक्कत नहीं हो कोई भी रिलेशन समझने में कि ये कौन सा रिलेशन है, और सारे सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में जानेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा इधर, ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, मतलब सेट ए के लिए कोई रिलेशन आर है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए रिलेटेड टू ए, वेयर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन कब बोलेंगे, जब सेट ए में जो भी एलिमेंट हम लोग को है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, उसका रिलेशन खुद से होना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए, और सिर्फ यही। मतलब जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, यहाँ पर जो भी एलिमेंट है हम लोग के पास उसका रिलेशन खुद से है, तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग कि कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4 और आर कोई रिलेशन है सेट ए से, और इसमें ऑर्डर्ड पेयर है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। अब बताइए ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा कि नहीं, जरूर होगा, क्योंकि इसमें जितना भी एलिमेंट है वो सब का रिलेशन खुद से है। इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए R1, तो हम लोग बोल सकते हैं R1 is आइडेंटिटी रिलेशन। एक और रिलेशन ले लेते हैं R2 1, 1, 2, 2, 4। अब बताइए कि ये R2 रिलेशन जो है क्या आइडेंटिटी रिलेशन है, नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट है वो सब का रिलेशन खुद से है, लेकिन 3 का रिलेशन यहां पर नहीं है। लिखेंगे कि सिंस
थ्री बिलोंग्स टू ए, ए में तीन मौजूद है बट थ्री थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू आर टू, सो आर टू इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, हम लोग समझ गए कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। जब भी कोई सेट दिया रहेगा उसमें जितना भी एलिमेंट मौजूद रहेगा वो सारा का सारा रिलेशन खुद से होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी के जैसा ही लगता है लेकिन थोड़ा फर्क है उसमें। देखते हैं क्या फर्क है, क्या डिफरेंट है उसमें रिफ्लेक्सिव में। सेकेंड नंबर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ध्यान दीजिएगा इधर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेट टू बी reflexive if A related to A। identity में भी था A related to A लेकिन वहां पर था if and only if, मतलब सिर्फ यही, लेकिन यहां पर सिर्फ यही नहीं कुछ और भी आ सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्लियर समझ जाएंगे। और ये A क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए का पूरा पूरा एलिमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं तब जाके क्लियर होगा। पहले वाला ही सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट था 1, 2, 3 और 4। अब रिलेशन है आर इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 2, 3, 1, 4, 1, 4। अब बताइए ये जो रिलेशन है आइडेंटिटी है या रिफ्लेक्सिव है या दोनों है। देख लेते हैं, हम लोग आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि उसमें सेट ए में जितना भी एलिमेंट मौजूद है उसका रिलेशन खुद से होना चाहिए। तो 1, 1 मिला, 2, 2 मिला, 3, 3 मिला, 4, 4 मिला, और वहां पर था इफ एंड ओनली इफ, मतलब सिर्फ जो एलिमेंट मौजूद है उसी का रिलेशन, अदर रिलेशन नहीं। इसमें अदर भी आ चुका है 2 और 3, 1 और 4, इसका मतलब आर जो है आइडेंटिटी नहीं। Here, R is not identity relation. Identity relation, but ये जो है reflexive जरूर है, but R is reflexive. R is reflexive. ठीक है, समझ गए हम लोग कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंट है थोड़ा सा। नोट हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव में
रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए ए होना चाहिए और ए बी भी हो सकता है. अवेयर फॉर ऑल, फॉर ऑल ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए. मतलब ए में जितना भी एलिमेंट मौजूद है वो सारा का सारा रिलेशन खुद से होना चाहिए और दूसरा रिलेशन भी हो सकता है, तो वो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव. लेकिन आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी में ओनली ओनली ए और ए का ही रिलेशन होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे क्या, आइडेंटिटी. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं. ठीक है, पूरा पूरा हम लोग को समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव क्या है. इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे, आइडेंटिटी रिलेशन. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिमेट्री रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में सीखेंगे. ठीक है, थैंक यू.